राजेश कुमार यादव है। राजेश कुमार सर जी, और इनके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं और पूरी पूरी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है। ये देखिए सर को पकड़ा गया। सर आपने बाइक हीरो होंडा ली है और आप हीरो जैसा चश्मा भी लगाया सर, लेकिन आपने हेलमेट नहीं लगाया। हमारे बीवी की तबीयत खराब हो गई, हम बहुत जल्दी में हैं और बिल्कुल हमारे पास वक्त नहीं था, इसलिए भाग गए। सर जितने भी लोगों ने हमें बताया सबने यही कहा है कि किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हमारे पास कुछ भी, हम एकदम से भागना पड़ा हम बस। लेकिन ये आपकी रक्षा के लिए तो सर प्लीज आप ध्यान रखें कि आपको हेलमेट ध्यान रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें जाने ही जाना, अगर ये गाड़ी रख भी लेते तो हमें पैदल जाना पड़ेगा जब भागेंगे। आपको पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता बिना हेलमेट के? नहीं मिलता। नहीं मिलता पेट्रोल? चलिए ये बढ़िया है कि इनको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलता है। और लोगों को देखते हैं हम भाई। सर वो देखिए मैडम जी जा रही है। मैडम, मैडम चली गई सर, वो देखिए मैडम चली गई। देखिए तो मैडम होनी चाहिए रे उनकी चेकिंग के लिए, हम कैसे पकड़े उनको। मैडम चली गई सर। हैं? मैडम चली गई। नहीं नहीं, अरे सर ने बात ही नहीं करी हमसे। वो देखिए सर मैडम जी फिर चली गई। मैडम रुको, मैडम रुको। सर मैडम जी चली गई, कहां गई मैडम जी, कहां गई सर? मैडम चली गई कह रहे हैं। सर दरअसल हम यहाँ पर आए हैं आपका साथ देने के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम आपका काम कैमरे में दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप यातायात के नियम जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, और हम आपका साथ दे रहे हैं सर इसमें, इसलिए हम यहाँ पर हैं। ठीक सर, हम सहयोग बनाए लेकिन दो लोग गए हैं सर अभी तक। ये उसमें तार लगाए नहीं है, तार कहाँ लगाए? तार लगाई नहीं है, ऐसे क्या सर कह रहे हैं कि तार नहीं लगाए? सर आपको ये नहीं पता कि माइक जो होते हैं वो कॉर्डलेस भी होते हैं? नहीं, हम लोग बहुत प्रेम से बहुत आराम से अपनी अपनी बातों को रखवाते हैं, उसके बाद इन लोग से बताते हैं कि आप लोग सहयोग करिए, यातायात व्यवस्था में सहयोग करिए, आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और क्या सर, हम अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हम अगर आप सुरक्षित रहेंगे हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। पेट्रोल पंपों में अभी भी पेट्रोल दिया जा रहा है, जो लोग हेलमेट नहीं लगाए उनको नहीं पकड़ रहे सर, आप उनको कुछ कह नहीं? वहाँ पे जो है बता दिया गया, उन लोगों को आवश्यक निर्देश भी दे दिया गया है कि जो कुछ नहीं हो रहा। हम अभी पूरा लखनऊ घूम करके आए हैं और कहीं पर भी कोई भी हेलमेट लगा करके पेट्रोल नहीं दे रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि महिलाएं भी हैं सर, कितनी सारी महिलाएं निकल गई, उनका चालान क्यों नहीं कट रहा? महिला कांस्टेबल न होने की वजह से इनका चालान नहीं हो पाता है, महिलाएं कुछ आई हैं सर, मैम लोग हैं तो सर बताइए। अब लड़की आई हैं, अब उनको पकड़ेंगे, चालान करेंगे। अभी बाकी लोग जो सर निकल गए, अब जो भी आएंगे उनको पकड़ना शुरू करेंगे, अभी आए हैं हम पॉइंट पे। चलिए अच्छा, अभी अभी आए तो सर अभी अभी पकड़ेंगे, अभी जो वो जो निकल गए वो गए, जो भी आएंगे उनको पकड़ना शुरू करें। चलिए अच्छा, जो आएंगे उनको पकड़ेंगे और जो गए वो गए। तो और लोगों को ढूंढते हैं कि कौन है वो नक्शेबाज लोग। चलिए इनसे पूछते हैं कि किससे बात करें भाई, किससे बात करें भाई? अरे काम बात कर रहे हो, आपको क्या बताए किससे कर रहे हो? नहीं मतलब ये तो नहीं बात कर रहे हो कि आपको यहाँ पे आ गए, धर लिया गया है तो इसलिए? अरे चौराहे पे भाई, कौन से चौराहे? लाल बत्ती चौराहे पे। क्यों ये फोन पे आप बात कर रहे हैं? आप उनसे बात तो करिए। आओ करो। हाँ हाँ, फोन काटिए। ठीक किससे सर बात करके सर की बात कराएंगे हैं? बात नहीं कराएंगे सर की, वो गाड़ी के पेपर मंगाएंगे। अरे गाड़ी के पेपर मंगाए? चलो बढ़िया, मौके पेपर भी पेपर के बिना लिए घूम रहे हैं सर। अब आप तो निपटी है सर आपकी, अब आप ही देखिए सर, हमने तो पकड़वा दिया, अब आप ढूंढिए सर, बात करिए। ये लोग सीट बेल्ट नहीं पहने हैं इनका, जरा देखिए सर इनको, देखिए आ जाइए इधर, इनसे निपटिए सर आप तब तक की। और बांधिए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट बांधिए सर। आप सर क्यों नहीं लगाई थी सीट बेल्ट? अरे अभी यही घर से निकले थे, बगल में घर है। पेट्रोल मिलता है सर बिना बेल्ट के? हाँ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है पेट्रोल, नहीं मिलता है ना, तो क्यों सर करते हैं ऐसा गलती? अभी बिल्कुल घर से निकले, पीछे वाला घर है, अभी निकाल, एकदम ध्यान से उतर के, और कोई बात नहीं है। सब यही कहते हैं कि पीछे वाला घर है, बगल में रहते हैं। चलिए सर, चलिए धन्यवाद। मिस हो गया पेपर, कहाँ है आपका पेपर? है कहाँ, दिखाइए इधर। एक मिनट, ये हेलमेट आपने क्यों नहीं लगा रखा? जब हेलमेट रखा है तब इसके बाद भी आप नहीं लगा रहे हेलमेट, क्यों तो बताइए? पेमेंट देने जा रहा था एक्चुअली सर, थोड़ा हेलमेट का क्या संबंध? अरे सर एक एक्चुअली इमरजेंसी थी, वहाँ पे पेशेंट एडमिट था, हमें दवा देने सप्लाई करने जा रहा था। पेशेंट एडमिट है उसके बाद हेलमेट लगाने का क्या कारण? थोड़ा मैम थोड़ा जल्दी में था, इस वजह से लगाना भूल गए, अपनी जान की चिंता भूल गए। चलिए ठीक है सर, सॉरी आइंदा से ध्यान रखूंगा। तुरंत लगाइए उसको, लगाइए। लीड क्यों लगाई थी कान में? गाना क्यों सुन रहे थे? गाना तो सुन रहे थे आप?
कंटिन्यूसली मेरे पास फोन आ रहा था उससे से मैंने लगा ली थी, अंधा ऐसा नहीं होगा। सॉरी सर, कान लगा के कान में सर गलती हो गई, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सर मिस हो गया है मेरा लाइसेंस, मिल एक्चुअली सर खो गया था कहीं सर। यस, चलिए तो इनकी तो गलती पकड़ी गई और जो गलती कर रहे थे इनको पकड़ लिया और सर ने बहुत बहुत साथ दिया और धर दबोचा ऐसे लोगों को जो गलती करते हैं और मानते नहीं हैं। ये देखिए पुलिस वाले हैं, सीट बेल्ट दिला है। हेलो, हेलो सर, मैम आपका नाम? शिवा शुक्ला। शिवाजी सर आपका नाम? अजय कुमार यादव। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे सर, अजय कुमार यादव। अजय कुमार जी ये बताइए कि सर आप खुद कानून के रक्षक होकर के सीट बेल्ट नहीं लगाए सर? जी। अच्छा मैम आप बता दीजिए, मैम आप भी आगे बैठी हैं, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए मैम? भूल गया होगा लगाना। मैम आप भी तो है, आपको भी तो लगानी पड़ेगी। ड्राइविंग सीट पे जो भी बैठते हैं दो लोग, उन दोनों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए ना। नहीं हमारे में तो शायद मैम ये सीट बेल्ट होती है, ये सीट बेल्ट है। अच्छा अच्छा, मैम नहीं पता था क्या आपको सीट बेल्ट कहाँ होती है? पता है। अच्छा कोई बात नहीं मैम, आप भूल गई होंगी। खैर हम आपको बता दें कि पेट्रोल तो मिलता नहीं होगा बिना बेल्ट के। ऐसा तो नहीं है। मिलता है पेट्रोल मैम? हाँ जी मिल जाता है। अच्छा मैम खुद बता रही है कि पेट्रोल मिलता है सीट बेल्ट के बिना, वरना अभी तो SSP साहब ने ये आदेश दिया है कि जो लोग भी बिना बेल्ट के और जो बिना हेलमेट के हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, या फिर जो भी यातायात का नियम लागू मतलब उल्लंघन कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा ना सर? मैम चलिए कोई बात नहीं, अब आप जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, है मैम आपने हेलमेट? मुझे दिखता नहीं है साइड से, इफ आई वेयर द हेलमेट, मेरा दो बार एक्सीडेंट हुआ हो चुका है हेलमेट पहनने से। सॉरी, हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट हो चुका है? हाँ मुझे नहीं दिखता साइड से, अब प्रॉब्लम नहीं कहानी नहीं, नहीं। हेलमेट तो आपके लिए बनता है ना, आपके सर की रक्षा करने। हाँ मुझे नहीं दिखता साइड से, तो आप हेलमेट लगाएंगे भी नहीं? ऐसा नहीं है, पर मैंने रिक्वायर्ड है वेयर इट, पर देन अभी आई कांट सी। गाना सुन रही थी इसको, जो लीड आपने लीड भी लगाई थी मैम? ये ईयरफोन, ईयरफोन लगाए हैं। हां सॉन्ग है। अच्छा ये लीड भी लगा चल रही कान में, ये भी मैम। अच्छा हम आपको बता दें सर, हम आपको बता दें मैम कि जितने भी यातायात नियम है उनको उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी, ये SSP जी की आदेश है और उसका उल्लंघन कर रहे हैं लोग सरेआम, अभी कर रही है ना। Sorry, it was not aware. I will not do it from the next time. अगली बार से आप ध्यान रखेंगी इस बात का? हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप अपनी अगली बार से हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू। सर से बात कर लेते हैं। हेलो सर आपका नाम? फरहान उस्मानी। फरहान जी ये बताइए, आप खुद तो जा रहे हैं, आप तो खुद तो बिना हेलमेट के निकले हैं, साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर के आ गए। मैं ऐसा है, मेरी अभी हेलमेट का बुक टूट गया है, मैं बच्चे को लामाटीनियर ग्राउंड पे सिर्फ खेल लेने गया था, मैं जस्ट मालेवनू में रहता हूँ, इसलिए ये मेरी मिस्टेक है और मैं खुद एक रिस्पॉन्सिबल एक एडवोकेट हूँ, गवर्नमेंट एडवोकेट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि ये मेरी मिस्टेक है। बस मैं थोड़ा सा वो हुक टूटने की वजह से मैंने कहा लामाटीनियर से रोज़े अफ्तार का वक्त है इसलिए मैं जल्दी में जा रहा था। थैंक यू सो मच सर, सबसे अच्छी बात कि आपने अपनी गलती मानी। लोग मिस्टेक, दैट इज माय मिस्टेक, अपनी गलती नहीं मानी। मेरा चोट लगेगी, मुझे लगेगी और हमारे इंजरी आएगी, दैट इज माय मिस्टेक। अगर हम नहीं करेंगे तो और लोग कैसे करेंगे इस चीज को? अगर आपकी ये पहली गलती है तो हम बहुत बहुत कहते हैं आपसे, अगली बार ऐसी गलती ना हो ये सोचेंगे हम, और सबसे कहेंगे सब लोग हेलमेट लगा के चले। अच्छी बात, थैंक यू। और यातायात नियमों का पालन भी करें, करना चाहिए, क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो फिर सर का नाम जान लेते सर, आपका नाम? मेरा नरेश प्रसाद सोनी। नरेश जी, नरेश जी पहली बात तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनको जागरूक होना चाहिए और गलती नहीं करनी चाहिए। सर एक बात बताइए कि जो लागू हुआ है नियम की जो लोग हेलमेट लगाएं बेल्ट लगाएं उन लोग को भी पेट्रोल दिया जा रहा है, तो क्या ये आपको दिख रहा है कि सच में दिया जा रहा है? देखिए हम तो इस चौराहे पर हैं, यहाँ पेट्रोल टंकी नहीं है, यहाँ मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग मतलब लगाए गए इस काम के लिए कि जो पेट्रोल लेते समय अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, हेलमेट नहीं लगा रहे, तो उनको पेट्रोल ना दिया जाए, तो कुछ लोगों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। करीब 70% लोग ऐसे थे जिनको बिना हेलमेट और बिना बेल्ट के पेट्रोल दिया जा रहा है, तो पेट्रोल पंप वाली कमी है ना, तो उनकी भी तो कम रिस्पांसिबिलिटी। हम उनसे कह रहे हैं तो उन्होंने हमसे ये कहा कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, दिखा दीजिए कोई पुलिस वाला है, बताइए हम क्या बोले। अब उनकी भी तो कमी है ना, उनको अपना बिजनेस दिख रहा है कि अगर हम नहीं देंगे तो मेरा लॉस होगा, तो अपना बिजनेस देख रहे हैं, उनकी भी तो कुछ रिस्पांसिबिलिटी है ना, वो भी तो अपना कर्तव्य समझें, केवल हर काम पुलिस वाले थोड़ी करेंगे। बिल्कुल सही, योगी जी और पुलिस वाले आकर के एक एक इंसान को हेलमेट नहीं पकड़ा पाएंगे, उनके बहुत सारे काम हैं, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम ऐसी गलती ना करें और खुद की सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए हम खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
चलिए मेरे साथ कटिंग चाय के साथ ऐसे ही बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं लोगों को कि लखनऊ के नक्शेबाज किस किस तरीके से करते हैं नक्शेबाजी और गलती पर दिखाते हैं ऐठन। देख लीजिए किस तरीके से लोग उड़ा रहे हैं मजाक यातायात के नियमों का। ये देखिए, ये भी सर भी नहीं लगाया हेलमेट। सर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो नहीं लगाए। सर हेलमेट क्यों नहीं लगाया बताइए। और सर सबसे बड़ी बात की सर आप तो हेलमेट नहीं लगाए हैं, सर आपके साथ में एक नन्ही सी जान भी है। सर अगर आपको कुछ नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा होगा, आप अगर गलती करेंगे सर तो क्या होगा उनकी जान? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आज के लिए तो नहीं। अच्छा सर एक बात बताइए, आपको इतनी बढ़िया बाइक लिए हुए हैं, ये याद था कि इतनी बढ़िया बाइक लाए हैं, खूब बढ़िया चलानी है रास्ते में, लेकिन हेलमेट नहीं लाए, क्यों भूल गए? बोल तो रहा हूँ सॉरी, आज मिस्टेक हो गई है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल सर, बोल दीजिए आज के बाद से ध्यान रखेंगे। आज के बाद ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।